जो ये वेंडर हैं जो स्टॉल लगाते हैं, रेडी लगाते हैं, ये आपको इंडिया के हर कोने में मिलेंगे। यूपी चले जाओ, बिहार चले जाओ, इंदौर चले जाओ, कलकत्ता चले जाओ, चेन्नई चले जाओ, बम्बे चले जाओ। 20 रुपये का ये इंडिया का मैप है, पंजाब का भी मैप है, सारे मैप हैं ये। वाह वाह, चलो सवेरे कितने बजे निकलते करो? सवेरे निकलते 9 बजे आ जाते जी। अच्छा, दिल्ली से लेके आते? कहाँ से लेके आते? दिल्ली से लेके आते, दिल्ली से। दिल्ली से लेके, देखिए जहाँ पर अभी घंटाघर के पास खड़े हैं, तो यहाँ पर ये मैप जो है इंडिया के, उसके बाद पंजाब का, तो अलग अलग शहरों के इनके पास हैं। तो देखिए जहाँ पर स्टॉल वगैरह भी लगे हुए हैं, रेडी वगैरह भी लगती है रात को, जब भी लोग घूमने के लिए आते हैं यहाँ पर, तो जहाँ पर एंजॉय करने के लिए रुक जाते हैं, तो देखिए यहाँ पर ये घंटाघर के पास ही ये दुकानें हैं, साइकिल मार्केट है जो सबसे पुरानी दुकान है यहाँ पर। तो चलिए हम आपको घंटाघर की तरफ लेकर चलते हैं, जैसे हम दिखाई रहे हैं। तो चलिए हम आप, और देखिए इस समय हम घंटाघर के नीचे खड़े हैं। ये जो सबसे पुराना, जो 1947 से पहले जो घंटाघर जब ब्रिटिश राज था उस समय बना था। तो देखिए जहाँ परोंठे भी तैयार होते हैं, ये हम घंटाघर के पास हैं लुधियाना शहर के। और रात के वक्त जो यहाँ पर चहल पहल होती है, और जो लोग ख़रीदारी करने के लिए आते हैं या जो घरों को जाते हैं, हम दिखा रहे हैं आपको। ये लक्की ढाबा है, यहाँ दिखा दीजिए ये, और देखिए ये परोंठे हैं यहाँ पर। सुबह आलू के परोंठे सुबह शुरू होते हैं और रात के 12 बजे तक चलते रहते हैं, जब तक दुकानें नहीं बंद होती। और देखिए यहाँ पर जो भी लोग टूरिस्ट वगैरह होते हैं या कोई व्यापारी वगैरह होते हैं, नाश्ता करने के लिए, लंच करने के लिए, डिनर करने के लिए यहीं पर आते हैं। और देखिए यहाँ पर घड़ियों के स्टॉल भी लगा हुआ है, देखिए चांदनी चौक में भी ऐसे मिलेगा आपको दिल्ली में। लाली कड़ी है। और देखिए चलते 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 चलते, और ये लक्की का ढाबा आ गया जहाँ पे। और ये जो लक्की का ढाबा है जहाँ पर बहुत ही मशहूर है, घंटाघर के पास जब कभी आप घूमते घूमते आएंगे तो उस्ताद जी लक्की के ढाबे के पास से हम गुजर रहे हैं, जहाँ पर खुराना साहब है यहाँ। और देखिए जहाँ पर ये चांदनी चौक और लुधियाना का घंटाघर चौड़ा बाजार के पास ही है, ये सेम ही है। और जहाँ पर जो चीज़ें बिकती हैं इसको ख़रीदारी करने के लिए, सुबह से लेकर रात तक लोग जहाँ पर आते जाते रहते हैं। हम दिखा रहे हैं लुधियाना शहर का जो घंटाघर है जहाँ पर मारे थे, वो मारे बंदे थे। और जो सभी लोग जो जहाँ पर यहाँ से पुलिस में भर्ती होने के लिए यहाँ पर आए हैं लोग, तो यहाँ पर सुबह से यहाँ पर इनका तांता लगा हुआ है लुधियाना शहर में। और जो देखे सभी जो लड़के हैं घंटाघर घूमने के लिए आए हैं यहाँ पर रात के वक्त। तो अभी हम आपको और दिखाते हैं, जो भी लुधियाना शहर में आता है, टूरिस्ट आता है या कोई भी आता है, तो घंटाघर के पास जरूर होके जाता है। तो चलिए थोड़ा सा आगे से घूमते हैं हम लोग। और देखिए पहाड़गंज का जो पेठा जहाँ भी मिलता है दिल्ली वाला जहाँ पर है। और देखिए ये स्टेशन की तरफ जाता है रास्ता, बहुत सुखसील है वो सामने, देखिए घंटाघर के नीचे बहुत सामने जितनी भी ये शॉप है जहाँ पर, ये क्लॉक टावर जो लुधियाना की शान है। जब भी कभी अब लुधियाना का, लुधियाना सिटी का यूट्यूब पर कोई चैनल लुधियाना शहर के बारे जिसमें बताया गया होगा, तो घंटाघर सबसे पहले उसमें आता है। और देखिए रात के वक्त कैसे ये घंटाघर की जगमगाहट होती है। और ये लुधियाना शहर में ब्रिटिशर अंग्रेज़ों की तरफ से बनाया गया है, जो आज भी घंटाघर मौजूद है जहाँ पर। और जहाँ से लुधियाना शहर की शुरुआत होती थी, और रेलवे स्टेशन के पास ही ये बना हुआ है, तो जहाँ पर रात को लाइटों की जगमगाहट होती है, रंग बिरंगे जो इसमें जो लाइट लगे हुए हैं, जैसे जैसे चेंज होते हैं तो वैसे वैसे इसका जो स्वरूप है बदलता है।
और इसके नीचे रेड़ी भी लगी हुई है जहाँ पर लोग कुछ खाने के लिए जहाँ पर आते हैं। तो चलिए हम आपको इधर से घुमाते हैं थोड़ा सा और सामने भी दुकानें हैं इसके। लुधियाना शहर का हम आपको घंटा घर के पास रात्रि सीन दिखा रहे हैं। इस लुधियाना शहर घंटा घर के पास इनका बहुत होल्ड है और ये प्रधान भी हैं यहाँ के, सोशल वर्कर भी हैं, और जो भी कोई किसी को प्रॉब्लम आते हैं तो उसको सुलझाने में भी ये अहम भूमिका निभाते हैं। तो बिट्टू कुंभर इनका नाम है। तो ये मेरे साथ ही जहाँ पर मुझे कुदरती मिल गए चलते चलते, तो हम वीडियो बना रहे थे, कहते क्या कर रहे हो। मैंने कहा आपके जो बाजार का घंटा घर है इसकी फ़ोटो लेने के लिए हम आए हैं। तो बिट्टू कुंभर जी, तुम दसो जो तक घंटा घर है, हम जग मगाहट बहुत हो गई है, पहले गंदा होता सी घंटे आप घटिया नहीं चलदियाँ सी, हूँ दसो कहो जहाँ लग रहे हैं। साढ़े लुधियाना का सब तो पुराना और लुधियाना की पहचान है घंटा घर, जिस दे उत्ते सरकार वालों ते नगर निगम कारपोरेशन वालों 40-50 लाख रुपए खर्च करके रंग बिरंगी लाइटा लगा के जो कि यदि पहचान बनाई है। साडा घंटा घर का जोड़ा एरिया है सब तो पार्श एरिया और सब तो महंगा, इतने दुकाना 2 करोड़ रुपए तो लैके 10-10 करोड़ रुपए दी हैं। लेकिन इस टाइम सब तो वड्डी जी समस्या की मार है घंटा घर के पिछले दिन ही जो इतने सीवरेज पाइपा पाई गई, नाला खुदवाया गया, उस तो बाद सड़कों के इन्ने माड़े हालात है कि हर दुकानदार दुखी है, क्योंकि सवेर तो लैके शाम तक वो सारा दिन मिट्टी फकदा रहिंदा है और कस्टमर इत्थे मिट्टी के कारण बिल्कुल नहीं आ रहा, माल का सत्यानाश हो रहा, कारोबार तबाही के कगार ते है। मैं सरकार नवी बनी सरकार नूं और प्रशासन नूं और खास तौर पर लुधियाना के मेयर नूं बेनती करदा वा कि आप घंटा घर की पहचान तो बनाती, लेकिन जोड़े वो थले वसनीक ने जिन्हों की जी असली पहचान जोड़े लोग इतने रोटी कमा के खाते है उन्होंने बारे भी सोचो। इसकी सड़क के हालात देखो जो कि लोग हाहाकार मचा रहे हैं, पछता रहे हैं भी असं इतने दुकाना क्यों खोल रहे हैं। तो मेरी बेनती है कि सरकार को प्रशासन नगर निगम इस पास भी ध्यान देना चाहिए, सड़क को जल्द तो जल्द बनाना चाहिए। और देखिए बिट्टू कुंभर जी ने बताया कि यह घंटाघर बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, लेकिन जो नीचे सड़क है जब जहाँ कोई आता है तो खड्डे में गिरता है तो उसको बहुत परेशानी होती है। तो सबसे पहले ये सड़कें जो हैं इसको भी सुंदर बनाया जाए। तो ये तो हर शहर में चलता है कि एक चीज़ बन जाती है दूसरी टूट जाती है, लेकिन प्रशासन को चाहिए कि अगर घंटाघर पर 50 लाख रुपया खर्च किया है इन्होंने सुंदर बनाने के लिए इसको, तो जहाँ पर कोई टूरिस्ट आता है या कोई स्टूडेंट आते हैं या कोई फैमिली के साथ आता है इसे देखने के लिए या कोई बाहर से जो लोग रेलवे स्टेशन से जहाँ आते हैं तो उन्हें देखने के लिए ये सुंदर तो लगता है नीचे, लेकिन जहाँ पर बिल्कुल ही सड़कें टूटी हुई हैं, गंदगी है, लेकिन ये घंटा घर के पास हम आपको दिखा रहे हैं। चलिए थोड़ा सा और देखो, मैंगो शेक भी है यहाँ पर, रेड़ियाँ लग जाती हैं, और देखिए यहाँ पर फटे पुराने नोट वाला ही बैठा है लगा इसके ऊपर भी। अगर आप ढूंढते ढूंढते आ जाएँ यार हमको फटे पुराने नोट कहाँ चलाने हैं, तो यहाँ पर घंटा घर के नीचे इनके 2000 स्टॉल लगते हैं, तो आप फटे पुराने नोट भी यहाँ चेंज करवा सकते हैं। तो ये घंटा घर है दोस्तों लुधियाना शहर का, और जहाँ पर हम आपको लेकर आए हैं रात्रि का समय है, तो थोड़ा सा दूसरी तरफ भी हम आपको घुमा देते हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि इस पर तो लाखों रुपए की लाइटें लगा दी हैं कॉरपोरेशन ने, नगर निगम ने, लेकिन आसपास देखे जहाँ पर कोई लाइट नहीं आपको दिखाई देगी, अंधेरा ही दे रहा है, सामने दिखाओ जो बिल्डिंग में दे रहा है, तो जहाँ पर मेरे को कोई भी लाइट नहीं दिखाई दे रही सरकारी, देखे जहाँ पर कोई भी रात को लाइट नहीं जगती, दूर तक देखिए, क्योंकि जिस तरह ये लुधियाना शहर का सेंटर है, रेलवे स्टेशन के पास है और ऐतिहासिक यानी कि एक हिस्टोरिकल यहाँ पर एक क्लॉक टावर बना हुआ है, तो उसके पास आसपास थोड़ा सा लाइट का कोई नीचे इंतजाम नहीं, लेकिन ऊपर जो जगमगाहट हो रही है वो तो बिल्कुल खूबसूरत है, लेकिन नीचे हम दिखाई दें या सड़क की तरफ दिखाई दें तो हमको कुछ भी दिखाई नहीं देता। और देखिए मैंने अभी आपको दिखाया लुधियाना शहर का क्लॉक टावर, घंटाघर स्टेशन के पास ही है और यहीं से चौड़ा बाजार शुरू होता है। तो देखिए अभी हम आपको दिखा रहे हैं लुधियाना शहर का क्लॉक टावर, जब कभी लुधियाना शहर में आए स्टेशन के आगे आकर ये एक टूरिस्ट प्लेस है जहाँ पर क्लॉक टावर है, तो आप इसे देख सकते हैं। तो हमारा ये चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। श्री पाल के साथ कैमरामैन अजय।